हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और ब्लॉग में। एपिसोड 1 में आप लोगों ने देखा मैं बाइक से आ रहा था। रास्ते में बाइक बहुत तकलीफ दिया मुझे, बहुत बार बाइक ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैं बाइक एक जगह पे रख दिया किसी जान पहचान वाले के घर पे, और मैं गाड़ी से फिर जा रहा हूँ। अभी मैं एक दूसरा रूट से जा रहा हूँ। ये रूट जतनवारी होके जाता है। पहले मैं गंडसरा होके जा रहा था, मैं जतनबरी पहुंच चुका हूँ। ये जतनबरी का डाक बंगलो है। डाक बंगलो पे मैं पहले फ़ोन करके रूम बुक कर लिया था। आज मैं ये पे रहूँगा, कल सुबह डूंगर के लिए रवाना हो जाऊँगा। सीएस से ऑटो जाएगा। ये मेरा रूम है, 400 रुपीज़ पर नाइट। एक बेड है, 2 सोफा है, और बाथरूम भी ठीक ठाक है। मैं अभी खाना खाने के लिए नीचे जाऊंगा। मैं डिनर करने के लिए नीचे आ गया हूँ। इसी रूट से कल मैं डूंगर जाऊंगा। मैं डिनर करके वापस डाक बंगलो पे आ गया हूँ। डाक बंगलो रात को ऐसा दिखता है। अभी 7:30 PM बज चुका है। रात में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इधर पे एक गार्डन है और सामने भी एक गार्डन है। अंदर रात को बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे छोटा सा एक पार्क है और मैं अभी जाके सो जाऊंगा घर पे, मतलब रूम पे। कल सुबह जल्दी उठना होगा। 5 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से डुम्बर मंदिर घाट। कल सुबह मिलता हूँ फिर आप लोगों से। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। मेरा जो रूम है वो लास्ट वाला है। अभी घर मतलब रूम पे जाके सो जाऊँगा। कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का 5:45 बज चुका है। मैं घर से निकल गया हूँ डुम्बर जाने के लिए। वो रहा मेरा रूम, ये रहा मेरा डाक बंगलो जहाँ मैं कल रुका था। मैं अभी पैदल जा रहा हूँ। यहाँ से 2 मिनट का पैदल जाने के बाद मोटर स्टैंड आएगा। ये जो रोड है बहुत ऊपर है, देखिए घर बार कितना नीचे दिख रहा है। टुडे 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि। सामने मोटर स्टैंड, वहाँ से मुझे बस मिल जाएगा मंदिरगढ़ जाने के लिए। ये रूट थोड़ा चराई है। ये रहा मोटर स्टैंड, जतनबरी मोटर स्टैंड। मुझे बस मिल गया है। यहाँ से मंदिरगढ़ पहले तो सुनाता 5 किलोमीटर। अभी ड्राइवर बोल रहा है यहाँ से 8 किलोमीटर है। ये जो रोड पहाड़ को चीर के घूम के ऊपर तरफ जा रहा है, और बस में पैसेंजर सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। ये जो बस अभी मंदिरगढ़ जा रहा है, मंदिरगढ़ से सीधा नगर के जाएगा। मंदिरगढ़ से नगर जला मतलब अगरतला दिन में एक ही बस जाता है, और आज शिवरात्रि है, शायद इसके लिए मैं ही अकेला पैसेंजर हूँ। तीर्थमुख का जो मेला है मतलब पौष संक्रांति मेला, यह पैर होता है इस जगह पे। 3 दिन मेला होता है। तीर्थमुख है इस जगह का नाम। बहुत ऊपर से पानी को छोड़ के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी तरफ डैम बना हुआ है और पानी को यहाँ से छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ये रहा डैम,
यहाँ पे डैम बना हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे पानी का जो स्पीड है वो ज़्यादा होता है। इस डैम को देखने का इजाज़त नहीं है, मतलब वीडियो करने का परमिशन नहीं है। मैं छुप के थोड़ा बहुत वीडियो किया आप लोगों के लिए, आप लोग जो देख रहे हैं, मैं छुपाते छुपाते थोड़ा वीडियो किया। मैं अपना मोबाइल पॉकेट में रख लिया था थोड़ा बहुत वीडियो बनाने के लिए। यहाँ मैंने एक अधिकारी से बात की, उन्होंने बताया ये डैम और 100 साल तक कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग वीडियो बनाकर उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इसलिए वीडियो बनाने के लिए मुझे मना किया था। फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो वीडियो कर ही लिया आप लोगों के लिए। अभी ऐसे मंदिर घाट मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बस से उतर गया था, तो इसलिए मैं पैदल मंदिर घाट जाना पड़ेगा मुझे। वो रहा डैम, दूर से भी दिखाई देता है, मंदिर घाट से भी दिखाई देता है। ये रहा गोमती नदी, और इसी रूट से मुझे जाना है मंदिर घाट। मैं मंदिर घाट पहुँच चुका हूँ, वहाँ पे एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर में थोड़ा ठहर के मैं नीचे चला गया घाट पे, बहुत नीचे जाना होता है बोट लेने के लिए। या से बोट लेके सीधा मुझे नारकेल बागान जाना है, मतलब नारकेल कुंज जाना है। या से बोट 3000 रुपीस को मिलता है, मतलब रिजर्व, कोई भी जाए, मतलब दो आदमी भी जाए तो 3000, और 10 आदमी भी जाए तो 3000, मतलब यहाँ पर रिजर्व मिलता है। मैं बोट के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अभी 7:30 सिर्फ बजा है, बोट बोल रहा है 8, 8:30 बजे या 9 बजे आएगा, मतलब यह ऐसा जाएगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब एपिसोड 3 में, मैं नारकोलगंज पहुँच जाऊँगा। ये जो लेक है ये डुंबर लेक है, आप लोग बन रहे मेरे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स।